हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 10 के आसपास में हो रहे होंगे, और इसके पहले आप लोगों ने सिस्टर की मेहंदी रसम यानी संगीत नाइट वाला जो हमारा वीडियो था, हमारा ब्लॉग, आप लोगों ने उसको देखा, एंजॉय किया। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है उसका, ये हल्दी रसम और उसके बाद शादी। तो मैंने ये वाला ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया है। इसके पहले भी बहुत सारी रस्में होती हैं जो कि मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं लिया हुआ था, लेकिन जब ये आंगन में हल्दी रस्म स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे बुआ का लड़का आ गया था, तो उसने मेरा मोबाइल ले लिया और बोला कि मैं ब्लॉग बना देता हूँ आपका। तो जितना भी मेरा मतलब ब्लॉग था सुबह के टाइम का, उसने ही वो सारे वीडियो बनाए। और उसके बाद रात में थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा सा मैं थोड़ा वो मिलकर दोनों लोग साथ में बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, वो जो स्टिकर आता है हल्दी रस्म वाला लिखा हुआ, तो वही हम लोग पीछे चिपका रहे थे, और उसका हल्दी रस्म यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग इसको देखिए और इंजॉय करिएगा। पंडित जी जब अपना रस्म पूरा कर लिए, तो उसके बाद भैया लोग जो है वो हल्दी लगाते हैं, और घर पे भतीजा जो होते हैं वो भी लगाते हैं। तो हमारे यहाँ के शादियों में, हमारे यहाँ के नहीं, हमारे गांव की जो शादियाँ है उसमें एक चीज़ कॉमन आप लोग को मिल जाएगी, वो ये होता है कि आप लोग को हर मोमेंट पर गाना सुनने को मिल जाएगा। और जितने भी हमारे गाँव की लड़कियाँ बहुत अच्छा ही गाना गाती हैं, तो हर मोमेंट पर गाना सुनाती रहती है। फिर उसके बाद बारी आती है दुल्हन को हल्दी लगाने की। तो इस वाले काम में सबसे पहले जो है हमारी दीदी ही जाती है, क्योंकि मैंने उसको अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ पे जब भी हल्दी रस्म हो जाता है उसको दीदी तुरंत उपटा लेके दौड़ती है लगाने के लिए। और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उसमें बुआ भी है, मेरी मम्मी भी है, और चाची भी है, मासी भी हैं, तो सारे लोग हैं। तो ये लोग बहुत देर से उसको हल्दी लगाने के बाद चुमावन कर रहे थे, तो मैंने सबको हंसा दिया क्योंकि काफ़ी देर से रो रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए उसको हंसा देते, तो थोड़ा सा मैंने जोक्स किया और हंसने लगी, इसी बहाने मैंने चूम लिया। और मेरे बाद आती है इसकी जो बड़ी वाली सिस्टर है, उसकी जेठानी, फिर चाची, फिर मम्मी। तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं इसी में। Oh,
सुबह में जितनी भी रस्में थी हो गई थी, उसके बाद ये थी नाइट टाइम का वीडियो, यानी कि दौर पूजा जो कि होता है थोड़ा सबके यहाँ होता है। आप लोग को पता भी होगा हमारे यहाँ पर इस टाइम पे अब जयमाल नहीं होता है, पहले होता था, हम लोग का भी हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ हमारे यहाँ पर घट गई तो ना इसके बड़ी सिस्टर का जयमाल हुआ है यहाँ पर, ना इसका ही हो रहा है। तो क्या बोलते हैं, उसके दरवाजे पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं थोड़ा साइड में आ गई थी। और ये जो दादी थी हमारे घर के बगल की थी, लेकिन मैं उनको नहीं पहचान रही थी और वो मुझे बहुत अच्छे तरह से जान रही थी। फिर बातें की और फिर उन्होंने बताया कि जब हम लोग छोटे थे तो उनके घर पर बहुत ज़्यादा जाया करते थे, और फिर उसके बाद ये हमारी फ्रेंड है, उसका बेटा है, तो वो भी शादी में आई हुई थी, तो उसके पापा उसके बेटे को लिए हुए थे, और यहाँ पर मैंने अपने भाई की बेटी को लिया हुआ था, तो दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर रहे हैं। द्वार पूजा के बाद सारी लड़कियों ने जमकर किया डांस, उसके बाद सारे लोग आ गए आंगन में, और यहाँ पे जितने भी ससुराल से सामान आए होते हैं यानी कपड़ा और ज्वेलरी जो होते हैं वो सब कुछ आंगन में से निकाला जाता है, उनका पूजा किया जाता है, और फिर इस सब सारे सामानों को उठा के कोबर में रख दिया जाता है। तो हमारे यूपी बिहार से जो भी लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा, ज़्यादा मुझे डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे गाने सुनाने के लिए बारातियों को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे गांव में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती है और हर मोमेंट पे गाने गाएंगे, तो यहाँ पे भी देखिए सबका सॉन्ग चालू है। और इधर हमारे चाचा जी लोग सारे लोग बैठे हुए थे, और एक साइड में मैं बुआ के साथ चुपचाप बैठी हुई थी और मैं सबके गानों के इंजॉय ले रही थी। और मेरे बगल में यानी बुआ के बगल में जो बैठी हुई है वो सिस्टर की ननद आई थी लड़कों के तरफ से, और एक लोग हैं जो कि ठीक हम लोग के सामने बैठी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोग को दिखी जाएंगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस निर्माण करने वाले हैं उन्होंने कहा कि सुग्गा जो होता है मीठा बोलता है, ये तो हकीकत बात है, लेकिन एक और हकीकत क्या कोयल से ज्यादा सुरीली, अरे कबूतर से तोता से ज्यादा सुरीली कोयल बोलती है ना, कोयल का लगाइए, कोयल बोलती है, लेकिन जो सुग्गा होता है तीखा खाता है तब मीठा बोलता है। सिंदूर कुछ रखे है मन्ना काफी कलसा के दिखावा ये है कलस देखा एकदम बैठ
और लड़की के सामने जा एक एक करके सारी रस्में खत्म हो गई और ये जो बैठे हुए हैं चाचा की जो बड़ी वाली बेटी है उसके हस्बैंड है और उनके बगल में ब्लैक साड़ी जो पहनी हुई बैठी हुई है लड़की वही मतलब छोटी वाली सिस्टर की ननद है जो कि मैंने बताया था कुछ देर पहले आप लोग से कि दो लोग आई हुई है बारात की तरफ से, तो यही दोनों लोग थी। और इधर हमारी बुआ है जो कि सिंदूर दान होने के बाद बुआ या दीदी लोग जाती हैं दोबारा सिंदूर पहनाने के लिए लड़की को, तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिलता है, तो यही बुआ को गिफ्ट मिला था जिसको लेके बुआ आई हुई थी। और इधर दिया जा रहा है दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद और उसके बाद फिर होगी जूते चुराने वाली रश। तो आप लोग देखिएगा कि जूते चुराने वाली रश में हम लोगों ने कितना इंजॉय किया हुआ है। बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, नमः पार्वती पते पते नमो नमः। अरे मैं बेटा कह रहा है जब मम्मी बोला यार सुनिए अरे मार कजबू जूता का पैसा चाहिए जूता का पैसा रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग कर और ये वाला क्लिप है शादी के एक दिन बाद का। टाइम की बात की जाए तो टाइम हो रहा है इस टाइम पे 4:30 या सुबह के या 5 के आसपास में। तो आज था छोटी वाली सिस्टर जिसका शादी हुआ था उसका विदाई, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे शादी के बाद सुबह तुरंत विदाई नहीं होती है, एक दो दिन के बाद होता है। तो विदाई के पहले कुछ इस तरह से रस्म होती है जिसको कि पूरा किया जाता है। तो सुबह का ही इसका शायद था, यानी सुबह सुबह में ही ये सब कुछ करना था हम लोग को। तो बुआ क्या बोलते हैं, सुबह सुबह ही गई थी सबको उठा दी और उठाने के बाद लाके ऐसे सबको बैठा दी, तो सबके चेहरे पर देखिए 12 बजे हुए क्योंकि शादी वाली रात में हम लोग जागे थे और उसके सुबह में भी बहुत थोड़ा सा सोए थे। फिर उसके रात में हम लोग बहुत देर तक जागे हुए थे
और फिर बहुत लेट नाइट सोए हुए थे, तो इस तरह से सुबह जल्दी उठना पड़ा हम लोग को, तो कुछ इस तरह से फेस सबका उतरा हुआ था सुबह सुबह में। सिस्टर का आज होने वाला है विदाई और बुआ सुबह से लगी हुई है शांत कराने के लिए, वो शांत नहीं हो पा रही है, तो अब देखना ही है कि बुआ शांत करवा पाती है कि नहीं करवाती इस बार। बंटी चुप रहो, आई मेकअप तब आ जाऊंगी। बंटी अरे चाचा की बड़ी वाली बेटी तो खाना लेकर आई थी छोटी वाली सिस्टर को खिलाने के लिए, बोली थी कि उसका विदाई, तो उसके पहले उसको कुछ खिला दिया जाए, तो हम लोगों ने उसको बहुत प्रेशर किया, लेकिन उसके बाद भी वो एक या आधा पूरी खाई थी। तो हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी खाना आया हुआ था मतलब वहाँ हलवाई के पास से, हम दीदी और हमारे बच्चे और वाली सिस्टर मिल के सारा खाना फिनिश कर दिए, और हम लोग सोच रहे चलो वो नहीं खा रहे तो उसका खाना हम लोग खा के पूरा कर देते हैं। कपड़े खिले रहे 3-2.5। हम लोग को दुल्हन को विदा करना, तो हम लोग सोचे पहले खा लें फिर उसके बाद रोएंगे, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। और ये रो के मेकअप किए हुए हैं और हम खा के मेकअप किए हुए हैं।